मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम भाई, ओके जो मजा में आपका भी बहुत ही मजा में। और दोस्तों आज फिर से है ना कहाँ रामगढ़ वाहन चल रहे हैं, जो कि आपके रामगढ़ वाहन वाली जो वीडियो है उस पर काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट आए कि भाई एक बार फिर से जाओ रामगढ़ वाहन को दिखाओ उसमें पानी आया है या नहीं। तो एक्चुअल में क्या है, देखो दोस्तों आप भैया को जितना वो है ना रामगढ़ वाहन देखने का, उतना ही मुझे भी है ना बेचैनी है कि रामगढ़ वाहन में पानी आया है या नहीं। तो फटाफट से चलते हैं रामगढ़ बांध में पानी है या नहीं, और थोड़े बहुत जो शॉर्ट कैप्चर करेंगे। वैसे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है अपनी रामगढ़ बांध की, बाकी वो पहले की बनाई हुई है आज के करीब एक महीने पहले। तो अभी प्रेजेंट टाइम में पानी है या नहीं तो देख के आते हैं अभी, क्योंकि बारिश बहुत ही अच्छी बारिश हुई है। तो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों देखो बारिश के अंदर जो गूड़ी की हालत हुई है ना, देखो कैसे दीवार टूटी है यहाँ से, और ये क्या है लैंडस्लाइड एरिया हो चुका है। तो जो भी पत्थर है ना पहाड़ से गिर रहे थे ना उसको ये निकाल के गिरा रहे हैं ताकि ये ना आगे से ज़्यादा पत्थर नहीं गिरे। जो श्री संकट मोचन हनुमान जी की। पुलिस वाले भैया खड़े हैं यहाँ पे अंकल, ये गजराज जी चल रहे हैं हमारे आगे आगे। तो दोस्तों देखो अपने घर से है ना 27 किलोमीटर आ चुके हैं, और सामने में व्यू देखो आप, जो पहाड़ियाँ हैं और वेदर तो ठंडा है ही, बारिशों का दिन है यहाँ। सावन में बारिश कम हुई तो क्या है, लेकिन ये भादवा है, क्या बोलते हैं भादवा, भादवा में है और ग्रीनरी तो आप देख ही रहे हो। दोस्तों कुछ ही देर में रामगढ़ बांध पहुँचने वाले हैं, बस भगवान से एक यही प्रार्थना करता हूँ मैं कि भगवान जी रामगढ़ बांध को देखूं तो उसमें पानी जरूर से दिखना चाहिए, चाहे थोड़ा ही पानी दिखे लेकिन दिखे, नहीं आना व्यर्थ हो जाएगा। जिस हिसाब से बारिश हुई है ना अभी 5-6 दिनों के अंदर, उस हिसाब से यार थोड़ा बहुत तो पानी आना चाहिए। अब अखबार में तो बता रहे थे भाई थोड़ा तो पानी आया, अब कितना आया अपन ने अखबार पढ़ा नहीं, केवल सुना है, अब देखते हैं कितना पानी आएगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि पानी जरूर आए इसमें। तो दोस्तों देखो ये रामगढ़ बांध पे खड़े हैं और ये इतना सा पानी आया, मतलब इतनी बारिश होने के बाद में यहाँ पे पानी नहीं आ रहा। यहाँ जगह जगह एनीकेट बनने चुके हैं, जगह जगह खेती होने लगी है, अतिक्रमण की वजह से पानी नहीं आ पाता है यहाँ पे रामगढ़ बांध में। दोस्तों देखो वो जा रही है जयपुर की लिए पानी के लिए पाइपलाइन, और वहाँ पे मंदिर, पता नहीं कौन से भगवान का मंदिर है, और इनसे है ना इनको घुमा के पानी खोला जाता था जयपुर के लिए। और भैया इसके अंदर बंदर के बच्चे बैठे हैं, और यहाँ से ब्रेक भी चल रहा है। तो दोस्तों देखो ये सीन कुछ ऐसा रामगढ़ बांध का, जो कि पानी के नाम पे कुछ भी पानी नहीं है यहाँ पे। रामगढ़ के 1, 2, 3, 6 दरवाजे, आप भाइयों के कहने से देखो रामगढ़ बांध में वापस से आए, और ये रामगढ़ बांध के ये जो क्या छतरी है, और बाकी ये जो पानी जो है ना क्या बोलते हैं ना
पाइपलाइन से पानी जाने के लिए जो घुमाने के हैं, पता नहीं क्या है यार, आप कमेंट करके बताना क्या बोलते हैं इसे। और ये व्यू है ही, इतना सा पानी भरा है। और ये बाकी इधर दरवाजे हैं जो किसी ज़माने में चला करते थे, बाकी काफ़ी टाइम से तो सूखा ही पड़ा है। ये रामगढ़ बंदा, रामगढ़ बांध बंदा क्या, बाकी क्या कर सकते हैं यार, कुछ भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और इधर चल रहा है फोटो सेशन, पहले इसे देख के है ना एक दिल सा उदास होता है, हर बार जब भी इसे देखते हैं तो दिल और दिमाग दोनों ख़राब हो जाते हैं। अभी इसे इतनी दूर से देखने के लिए आए और यहाँ पे पानी नहीं है, क्या कर सकते हैं दोस्तों। ये देखो बंदरों ने क्या किया, थोड़ी सी देर में ही बंदरों ने तबाही कर दी यहाँ पे, ये सीट को फाड़ के खा चुके हैं भाई। अरे भैया गाड़ी से कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो यार आप, हैं मोबाइल गुस्सा आ गया भाई साहब इसको, इसे आ चुका है गुस्सा और ये सीट को और फाड़ सकते हैं, ये गाड़ी खड़ी अपनी। और दोस्तों देखो ये गाड़ी पे से उतर ही नहीं रहा है और कह रहा है कि गाड़ी मैं ही चलाऊंगा। अब भैया क्या करें यार, भैया इसको भगाओ ना यार, थोड़ी हेल्प करो यार। वो देखो यार भैया कर दिया है बंदरों ने काम तमाम सीट का, और ये गाड़ी भी भैया अपनी डैडी जी की है, आज अपने पापा जी जो है भैया लड़ेंगे, आज आज डांट मिलने वाली है पापा जी से कि भैया पहली बार बाइक लेके गया है यहाँ पे और बंदरों से सीट फड़वा के आ रहा है। तो देखो बंदरों का तो आतंक देख लिया आपने, सीट को यहाँ से पता नहीं क्या क्या, ये यहाँ पे भी कुछ स्क्रेचेस आ गए, यहाँ पे भी दांत इतने पहने रहते क्या इनके। तो दोस्तों देखो इधर का कुछ सीन ऐसा है, ये पता नहीं इधर में कोई कुआ भी होगा, बाकी काफ़ी सारे प्लांट लगे हुए हैं और थोड़ा आगे तक चल के आएंगे। ये नंबर वाइज सीढ़ियाँ डली हुई है यहाँ पे, ये इतना पानी इधर भरा हुआ है और थोड़ा आगे में पानी भरा हुआ है, बस ये पानी आया है दोस्तों रामगढ़ बांध में। और इधर आगे जा नहीं सकते हैं क्योंकि रास्ता बंद है, सीढ़ियों पे काफ़ी झाड़ियाँ सी है। अब कुछ थोड़े से सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करो। इस वीडियो को तो यहीं एंड करते हैं, होप करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। भाई अच्छी तो क्या लगेगी यार, देखो एक दिल में ना बुरा सा लग रहा है। आप भाइयों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ना इसे इस वीडियो को शेयर करना, ताकि बड़े बड़े जो अधिकारी हैं गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उनके पास पहुँचे ये वीडियो। तो भैया इसके जो जगह जगह जो अतिक्रमण है इसमें यार पानी आए, देखो एक है देखो रामगढ़ बांध को है ना बहुत टाइम से प्यासा है और ये प्यासा ही रह गया इस बार भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और भैया इसमें अतिक्रमण में वो हटे, इसमें पानी आए, कुछ ना कुछ इसका ऐसा हो यार कि देखो जो पहाड़ी है ना वहाँ तक इसकी पानी की भरावट हुआ करती थी किसी ज़माने में। और बाकी अभी सूख गया, इस बार भी प्यासा ही है, मुझे तो लगता नहीं इसमें कभी पानी आएगा। लेकिन देखो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, मेहनत करो, भगवान से प्रार्थना करो ताकि इसमें अच्छे से बारिश हो, अच्छे से पानी आए। तो वीडियो को भैया लाइक कर देना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और कमेंट जरूर से करना, और बेल आइकन जरूर से प्रेस करना, ऑल पे सेलेक्ट करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और अभी यहाँ से आगे चलेंगे अपन नारायणी माता के, तो इस वीडियो को यहीं कर एंड कर देते हैं क्योंकि वीडियो क्या है काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो ठीक है भाई, राम राम।